नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है क्रिकेट ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डेक्कन वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बारे में। मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने YouTube चैनल क्रिकेट ज्ञान पर करूंगा। उससे पहले छोटा सा काम जो आप लोगों को करना है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। दोस्तों कमेंट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं या मेरे सोशल नेटवर्क साइट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों तो बिना किसी देरी के मैच पे आते हैं। दोस्तों मैच और सनराइज हैदराबाद दिल्ली डेक्कन दो मजबूत पक्ष, दो मजबूत टीमें और फास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से दिल्ली डेक्कन अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। उनका श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और आपका गब्बर धवन, गब्बर शिखर धवन सब बहुत अच्छे फॉर्म में है। पृथ्वी शॉ भी बहुत अच्छे फॉर्म में। हैदराबाद ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय रहा, कहीं ना कहीं आपने अगर देखा हो पिछले हाफ संस्करण में आधे पहले जो आधा हाफ इंटरवल कह सकते हैं उसे जो मैचेस हुए थे उसमें भी डेविड वॉर्नर कहीं ना कहीं असहाय असहज नज़र आए। अगर वो एज ए कैप्टन खेल रहे थे तो उनका उनका पूरा प्रेशर टीम को बढ़िया स्तर से ले जाने का था। अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ टीम का भी प्रदर्शन सुधारने पर तो बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसके बाद उन्हें कैप्टनसी से मुक्त किया गया और केन विलियमसन को बनाया गया। लेकिन कल के मैच में केन बहुत जल्दी अपनी विकेट वॉर्नर ने गवाई। शुरुआती झटके जो दिल्ली डेक्कन की तरफ से रबाड़ा और नॉर्थ ईस्ट ने दिए वो मतलब एक फास्ट बॉलिंग की दोनों की अच्छी केमिस्ट्री देखने की मिली, चाहे वो केन विलियमसन पे भी, आपका मनीष पांडे, आपका रिद्धिमान शाह और वॉर्न, ये चारों ही ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उस लक्ष्य से उस परिवेश में नहीं बल्लेबाजी कर पाए जिसके लिए चारों विख्यात है और तारीफ करनी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट और रबाड़ा की जो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लाइन लेंथ सेटिंग रखी और अपने आप को बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से सनराइज हैदराबाद की टीम वो लैंडमार्क, वो माइलस्टोन नहीं सेट कर पाई। दिग्गजों से भरी हुई टीम थी। विलियमसन एक बहुत अच्छे उमदा क्लास के बल्लेबाज, वॉर्नर की काबिलियत पर शक नहीं किया सकता। रिद्धिमान शायद विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, कई मैचों में प्रूव कर चुके। मनीष पांडे कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन कल का मैच में जो उनकी रणनीति थी सनराइजर हैदराबाद की वो थोड़ा समझ से परे थी। जैसन होल्डर को उन्होंने बहुत नीचे बल्लेबाजी क्रम में बहुत नीचे प्रेजेंट किया और केदार यादव समझ से बाद में भेजा, उनको पहले भेजा कि जिस जगह उनकी चार विकेट जा चुकी थी वहाँ से अगर वो एक हल्का सा जैसन होल्डर पे थोड़ा सा ट्रिक करते तो शायद स्कोर जो और थोड़ा बेहतर हो पाता। अश्विन ने थोड़ी गेंदबाजी में अपनी निराशा दिखाई, उस जिसके लिए विख्यात है जिस तरीके से गेंदबाजी करते कहीं ना कहीं उसमें कमी नज़र आई। वो एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा मशगूल रहे बनस्पत इसके लिए सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी किया, क्योंकि उन्हें पिछले दौरे में भी, इंग्लैंड दौरे में भी और उनको टीम में नहीं जगह मिल पाई थी, रविंद्र जडेजा को प्रेफरेंस दी गई थी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रेशर था, अपने आप को प्रूव करना था और इसके लिए उन्हें एक सिंपल सा काम करना था कि जस्ट फॉलो द बेसिक्स और अपने आप सारी चीज़ें होती रहती। लेकिन कल कहीं ना कहीं शायद उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए वो कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते चले गए, जिसकी वजह से उस लय तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दिल्ली डेक्कन शिखर धवन अपने स्वर्णिम फॉर्म में हैं, अब बहुत शानदार तरीके से श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी पड़ेगी, इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं और बहुत एक प्रेशराइज मैच उनके लिए था, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद टीम में उन्होंने अपना समय लिया, पूरा समय लिया, धीरे धीरे अपने आप को सेट की पिच पर, गेंदे अपनी निगाहें पूरी तरह से जमा, उसके बाद से उन्होंने खुलकर परफॉर्मेंस की। ऋषभ पंत जिसके लिए जाने जाते हैं, आपने देखा होगा आते ही पहली बॉल पर जो उन्होंने स्टांस लिया था, वो पहली बॉल पर आते ही स्टांस आउट ऑफ द ग्राउंड का था कि अगर बॉल बल्ले से कनेक्ट होती या तो वो फील्डर के हाथों में जाती या सिक्स के लिए जाती, दोनों ही तरीकों से मिस कर गए। लेकिन उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि मैं इसी तरह से खेलूंगा और इसी तरीके से उन्होंने खेला और बड़ा ईजी एक दबाव पिछले मैच का था, जिसमें करण त्यागी ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लास्ट ओवर में मैच को जो पंजाब किंग्स जीता और मैच हार गए थे, शायद ये कहीं ना कहीं दिल्ली डेक्कन और स्पेशली ऋषभ पंत के मन में चल रहा था कि हम उस पोजीशन में आके कहीं मैच ना गवा दें। एक आध ओवर किसी बॉलर का अच्छा चला गया, वहाँ से प्रेशर बिल्डअप हो जाए,
शायद एक यही वजह रही होगी जहाँ ऋषभ पंत ने अपने आप को खुलकर प्रेजेंट किया पूरे अटैकिंग शॉट्स में रहे। हाँ, और श्रेयस अय्यर ने स्थिति को संभाले रखा, वो अग्रेसिव नजर नहीं आए, बहुत सुलझे हुए तरीके से बल्लेबाजी की, और वहीं ऋषभ पंत ने दूसरी तरफ से बहुत आक्रामकता दिखाई। तो ये एक समन्वय था कि एक तरफ से अगर एक अच्छा खिलाड़ी जो अच्छा कर रहा है और धीरे धीरे सेट हो चुका, उसने अपने आप को वहाँ पिच पर जमा कर रखा, और दूसरी तरफ से दूसरे बल्लेबाज ने एक अटैकिंग मूव बना कर रखा, तो प्रेशर कहीं पर भी दोनों बल्लेबाजी में किसी पर ना आए, तो ये एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है, और जिसके तहत आपका दिल्ली डेक्कन ने बहुत ईजिली मैच जीत लिया। तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद की थिंक टैंक को अपने स्पेशली गेंदबाजी में कुछ जरूर फेरबदल करने की जरूरत है। संदीप शर्मा आपका और खलील है, ये दोनों ही इस तरह की गेंदबाजी, तो खलील की गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन संदीप शर्मा थोड़ा सा फेरबदल करने के किसी नए बॉलर को चांस देने की जरूरत है, क्योंकि नटराजन है उनके पास, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है यॉर्कर के डेप्थ ओवर में, और उन्होंने अपना आप प्रूव कर रखा। कल के मैच में नटराजन को ना खिलाना और मेरी समझ से परे था, क्योंकि नटराजन एक ऐसे गेंदबाज है जो लास्ट के 15-20 ओवर के बीच की जो 2 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, 2 या 3 ओवर का स्पेल जो उनका रहता है वो बहुत शानदार रहता है, और वहाँ वो मैच में बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं। कि यही कमी शायद SRS की तरफ से हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत भारी पड़ी। तो दोस्तों, आज के मैच का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, मैं सोशल मीडिया साइट में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया साइट आपको वीडियो में चलती हुई दिखाई देगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।